ओम शांति। मनुष्य सृष्टि वृक्ष वाकल्प वृक्षर बीज रूप निराकार परमात्मांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु हृदय सहित शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। शास्त्र रे उल्लेख अछि महावीर हनुमान जेतेबेले जन्म हेले तांकर अद्भुत कार्य कार्यावलीर कथा। छोट पिला खेलु खेलु उदित सूर्यंकु देखि केउ एक वृक्षर फल भावी तांकु खाइबा पई धाइले एवं जेतेबेले सूर्यंकु गिळीबाकु लागिले सेतेबेले देवराज इंद्र क्रोधित होई तांकर वज्रास्तकु फिंगी बालुत हनुमानंकु मूर्छित करिदेले। माता व्यथित होई पड़िले। पवन देव क्रोधरे तांकर प्रवाह को बंद करिदेले। सारा जीवजगत वायु बिना अणनिश्वासी होई त्राही त्राही डाकिदेले। समस्ते ब्रह्मदेवंकु स्मरण कले। ब्रह्मदेवंक अनुरोध को रक्षा करी पवन देव पुनः प्रवाहित हेले। जीवजगत आश्वस्त हेला। तहु ब्रह्मा समस्त देवतांकु कहिले कि हनुमानंकर जन्म ई जगत कल्याण पाई होईछि। बालुत अवस्था तो अज्ञानता वशत सूर्यंकु फल भावी एपरी कार्य करिछन्ति। एहा जानी समस्त देवदेवी हनुमानंकु निज निजर शक्ति प्रदान कले। इंद्र कहिले मु वज्र फिंगी थिवारु तुमर शरीर वज्र सदृश हे जाऊ। सेबेठारु तांकु बजरंगी नाम मध्य प्राप्त होइगला एवं सही दिन ठारु तांकु बजरंगी बोली संबोधन करिबाकु समस्ते लागिले। विशाल सृष्टि जहाँ कल्पवृक्ष बोली कहा जाउछि जहार आयुष कल्प कल्प सही भली बजरंगी को मध्य बर मिलिथिला। तांको इच्छानुसारे से तांकर शरीर को नवश्चुम्बी विशाल काय करिपारिबे एवं सूक्ष्मरु सूक्ष्म मध्य करिपारिबे। जहाँ आमे शास्त्र रे पढ़ीछे कि जेतेबेले लंकारे हनुमान प्रवेश कले राक्षस प्रहरी को नाश करिबा पई विशाल काय शरीर को धारण करथिले। जहाँ को देखि लंकिनी भविष्यवाणी को समस्त को अवगत कराइथिला कि एबे असुरकूलर विनाश अवसंभावी। यहाँ आमे शास्त्ररु पढ़ीछे बा शुणीछे। तेबे केवल पढ़ीदेले बा शुणीदेले तो हेबो नाही। तार गुढ़ तत्व को बुझी निज जीवन रे प्रतिफलित करी पारिले जाई जेउ उद्देश्य नहीं एही शास्त्र रचना करा जाइथिला अर्थात जगत परिवर्तनर महत उद्देश्य ही सफल हो पारिबो। यहा केवल जणे महावीरंकर कथा नुहे। भगवान कहुछन्ति हे मोर आत्मिक संतानगण तुमे माने समस्ते वास्तवरे हेउछ महावीर आत्मा। वर्तमान तुमर काया अर्थात शरीर बिल्कुल पुरुणा हो जाइछि पतित हो जाइछि कारण आत्मविस्मृत होई देह सर्वस्व हो जाइछ पांच विकार रूपी माया रावणर कबल रे पड़ी। एबे मु आसीछि तुमर काया को कल्पवृक्ष समान पवित्र शक्तिशाली करिबा पई जद्वारा तुमे अधा कल्प अर्थात सत्य ओ त्रेतया दुई जुग पई अमर हो जाउछ देवी देवता रूपरे। अमर अर्थात
अकाल मृत्यु रहित दुख शोक रोग ठारु मुक्त संपूर्ण सुस्थ सुंदर दीर्घायु संपन्न दैवी शरीर सहित सुख शांति आनंदर प्राचुर्यरे भरा विश्वर अधिकार अप्राप्ति बोली कौनसी जिनिष रहिबो नाही सुना हीरार महल संग को प्रकृति मध्य दासी रूपे सर्वदा सेवारे हाजिर हेबो। एही अविनाशी सृष्टि नाटक रे जिए भी अभिनेता बा पाटधारी माने अछंती तांकर चित्र बा सही जन्मर चेहरा थरे मात्र ही देखि परिवा पुनर्बार यहा 5000 वर्ष परे अर्थात एक कल्प परे देखिबा को मिलिबो अविकल सही भली जेपरी टेप रेकर्ड रे रेकर्ड भरी ही रही थाए। 84 जन्म रे 84 टी शरीर बा चेहरा हेबो किंतु सेगुड़ी को भिन्न भिन्न हेबो कहार चेहरा बा कर्म कहा सहित मिसिबो नाही जिए जेऊं कर्म करूछि जहा कहूछि जहा चिंता करूछि से पूणी अविकल सही भली ठीक सही समय रे ही 5000 वर्ष परे करीब चालिबो कारण सृष्टिर सृष्टि 5000 वर्ष रे थरे पुनर्बार पुनरावृत्ति होई थाए अर्थात चारि युग विशिष्ट एही सृष्टिर आयुष 5000 वर्ष जेउ कथा स्वयं सृष्टि रचयिता पिता परमात्मा एही अंतिम समय रे ही आसी कहउछंती एही कथा को बहुत भलो भाबरे बुझिवार अछि जेउ माने एही ज्ञान को बुझुछंती सेमानंकर बुद्धिर ताला खोली जाइछि तुमे संतान माने एही ज्ञान को बुझुछ तुमर बुद्धिर ताला एबे खोली जाइछि तेणु तुमे माने एही रहस्य को समस्तन को बुझाई परिवो एही आश्चर्यजनक ज्ञान स्वयं भोलानाथ बाबा प्रदान करुछंती सेधि पाई गीतरे मध्य गाउछै कि भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं आमे भगवान को ठारु अनेक कालरु विच्छेद होई जाइथिबा आत्मिक संतान भगवानंकर नयनर तारा अटु एबे आमे जीवित अवस्था रे निराकार शिव बाबांकर उत्तराधिकारी संतान होइछु एही निसारे रहिबा को हेबो जोग बल द्वारा विश्वर राजत्व नेबार अछि एबे पवित्रतार राखी बा कंकण बांधिछ तेणु केबे हेले पतित हेबा उचित नुहे ए कथा वर्तमान भगवानंकर महान परामर्श भगवान बरदान देउछंती कि सुखर सागर बाबांक स्मृति द्वारा दुखर दुनिया भितरे रही मध्य सुख स्वरूप भव कुहा जाए ना स्वयं भगवान जहाँ सहित अछंती भगवानंकर समस्त गुण बा शक्ति तांको प्राप्त हेथाय भगवान सुखर सागर तेणु संतान माने ए दुखर दुनिया रे थिले मध्य तांको दुखर लहरी स्पर्श करि पारिबो नाही मन एवं बुद्धि को गोटिए मात्र शक्तिशाली स्थिति रे स्थित करिबा ही एकांतवासी हेबा। अच्छा आजि पई एठारे आमे माने विराम नेबा असंता काली पुनः सही कल्याणकारी परमात्मांकर आउ किछि कल्याणकारी महावाक्य को श्रवण करी निज जीवन को सार्थक करिबा
सारा विश्वर आत्मा मानंकर कल्याण करी चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।